ये सरकार का मकसद है कि 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, वो आजादी के 75 साल कैसे हो? क्या हम सपना लेकर के नहीं चल सकते कि आजादी के 75 साल जब मनाएंगे, आजादी के दीवानों को जब अंजलि देंगे, आजादी के लिए शहीद हुए महापुरुषों का पुण्य स्मरण करेंगे, उस समय कम से कम एक काम तो पूरा कर ले, इस देश में कोई गरीब ऐसा ना हो जिसको अपना घर ना हो। गरीब शहर का हो या गरीब गांव का हो, हर किसी को रहने के लिए घर मिले, इसके लिए बहुत बड़ा काम हमने सर पे उठाया। आज यहां मेट्रो रेल का लोकार्पण हो रहा है, अब हरियाणा भी गर्व के साथ दुनिया में कहेगा कि हमारे पास मेट्रो रेलवे है। दिल्ली के टूरिस्टों को आकर्षित करने की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो हरियाणा में है। वीकेंड टूरिस्टों को आकर्षित करने की ताकत है तो हरियाणा में है। और मेट्रो की सुविधा हो जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली से लोग वीकेंड मनाने के लिए हरियाणा की ओर चले जाएंगे और हरियाणा के नौजवानों को रोजी रोटी का प्रबंध हो जाएगा। करीब करीब 2500 करोड़ रुपया की लागत से ये प्रोजेक्ट यहां पूरा हुआ है। लेकिन मैं आज हरियाणा के मेरे भाइयों बहनों को एक और नजराना भी देना चाहता हूं। ये मेट्रो यहीं से लौट नहीं जाएगी, हम बल्लभगढ़ तक जाएंगे। आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ के लिए काम शुरू हो जाएगा कि ये मेट्रो का जो लाइन है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहां के स्टेशनों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं और करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सूर्य शक्ति से पैदा करते हैं और सारी व्यवस्था में उसी बिजली का उपयोग किया जाता है। कल हमने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो सिर्फ द्वारिका की नगरी याद नहीं आती है, कुरुक्षेत्र भी तुरंत याद आता है। पूरा हरियाणा एक प्रकार से इन महापुरुषों की छाया में पला बड़ा हुआ है। मैं हरियाणा सरकार को अभिनंदन करता हूं, श्रीमान मनोहर लाल जी का विशेष रूप से और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि जिस हरियाणा को बेटियों की भ्रूण हत्या के लिए पहचाना जाता था, वो हरियाणा आज बेटी बचाने के लिए पहचाने जाने लगा है। वेंकैया जी के नेतृत्व में जो स्मार्ट सिटी का अभियान चला है, उस स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का भी नाम है। सरकार ने जितने पैरामीटर तय किए हैं उन पैरामीटर को गले लगाइए, पूरे फरीदाबाद का एक एक घर, एक एक नागरिक स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लेना चाहिए, तब जाकर के स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं।